नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माँ ने तुला नेट जेआरएफ चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट एग्जाम में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का सिलेक्शन इस बार होगा और इसके पीछे क्या वजह है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। कितना इस बार कट ऑफ जाने वाला है ज़्यादातर सब्जेक्ट का, इन सारे चीज़ों के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। साथ ही साथ मैं दो बार नेट जेआरएफ एग्जाम क्रैक कर चुका हूँ। तो साथियों, मेरे पास इस एग्जाम का अच्छा खासा अनुभव है, पिछले 6-7 साल का अनुभव है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, उसको जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मेरे खुद के बनाए गए पेपर 1 और पेपर 2 के नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट PhD एडमिशन की जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो साथियों, जैसा कि पता है कि पूरे देश में NEP बहुत जोर शोर से लागू हो रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो उसमें कहा गया है कि रिसर्च पर हमको ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना है और हायर एजुकेशन के ऊपर जोर देना है, क्योंकि एक डेटा सामने आया है कि बहुत सारे स्टूडेंट 10th करने के बाद या 12th करने के बाद या ग्रेजुएशन तक आते आते पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो हायर एजुकेशन में जो रेशियो है उसको बढ़ाना है। तो आपको पता है कि नेट एग्जाम क्लियर करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं या रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप PhD कर सकते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद। तो सरकार का पूरा मनसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट रिसर्च के फील्ड में आएँ, और रिसर्च के फील्ड में सबसे अच्छा जो रास्ता खोलता है यही UGC नेट एग्जाम, जिसके माध्यम से GRF के माध्यम से आपको रिसर्च करने के लिए 30 से 35 लाख रुपए तक आपको मिलते हैं। और आपको पता है कि जिस देश में जितना ज़्यादा रिसर्च और तकनीक को बढ़ावा दिया जाता है वो देश आज के समय में उतना ज़्यादा तरक्की करता है। तो इस वजह से इस बार बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का रिजल्ट होने वाला है UGC नेट एग्जाम में। दूसरा, आप इसका इशारा देख सकते हैं, पहले आपका एक साल में एक एग्जाम होता था इधर से, लेकिन इस साल आपको 3-3 एग्जाम होने वाला है। एक एग्जाम हो चुका है, दूसरा एग्जाम जून में होने वाला है आपका, और उसके बाद फिर दिसंबर में होगा। तो इस तरीके से एक साल में 3 एग्जाम, ये सब चीज़ें दिखाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का सिलेक्शन सरकार करना चाह रही है ताकि वो रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा दे सकें और हमारा देश अमेरिका, चाइना की तरह जो है आगे बढ़ सके, क्योंकि टेक्नोलॉजी में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। इसका वजह यही है कि रिसर्च का हमारे यहाँ बढ़ावा नहीं मिलता है, और रिसर्च को बढ़ावा नहीं मिलने का कारण है कि हायर एजुकेशन की व्यवस्था हमारे देश में पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, क्योंकि ज़्यादातर असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट जो हैं वो खाली हैं, वहाँ पे क्वालिफाइड लोग नहीं मिल पा रहे हैं। और जैसे ही इस एग्जाम को आप क्लियर करते हैं प्रोफेसर बनने के योग्य हो जाते हैं। तो सरकार भी चाह रही है, इस बार आपको मौके भी भरपूर हैं, तो इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर इस बार आपका निकल गया तो निकल गया, नहीं तो नेक्स्ट टाइम इस बार दो बार आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो अब आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, इन सब पे ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, नेक्स्ट एग्जाम के प्रिपरेशन पर लग जाएं। ये मेरा अपना अनुभव है, उसी अनुभव के आधार पर मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। और कट ऑफ की अगर हम बात करें तो इस बार कट ऑफ कम ही जाने का उम्मीद है, क्योंकि ज़्यादातर शिफ्ट में जो क्वेश्चन का लेवल था वो हार्ड था, तो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो नंबर बढ़ेगा ही। ठीक है, घटने का तो कोई सवाल नहीं है, नंबर जहाँ तक आपका बढ़ेगा, क्योंकि एग्जाम टफ होता है तो सभी के लिए टफ होता है। साथियों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हैं, प्रोफेसर बनने का अगर आपका सपना है, रिसर्च करने का सपना है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।